नमस्कार, मेरा नाम संकेत राउत है। मैं इंद्रानी बालन साइंस सेंटर से बोल रहा हूँ और नेशनल साइंस डे के इस अवसर पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस मौके पर आज मैं आपको एक मैथमेटिक्स के एक रिवॉल्विंग नंबर के बारे में बात करना चाहता हूँ। वैसे तो हम देखते हैं कि मतलब जब हम मैजिक नंबर्स की बात करते हैं तो बहुत सारे नंबर्स होते हैं कि मतलब 9 को लेकर बहुत सारे एक्टिविटीज़ की जाती है। उसके साथ साथ गोल्डन रेशो की हम बात करते हैं और 0 से लेकर 9 तक कई सारे ऑपरेशंस जो है वो हम करते हैं और उसकी मैजिक जो है वो दिखाते हैं। लेकिन मैजिक जो है वो क्या सिर्फ गोल्डन रेशो में ही है या ये 0 से 9 तक लेकर जो छोटे छोटे नंबर से उसी में है? तो ये ज़रूरी नहीं है। मैथमेटिक्स जो है वो काफ़ी बड़ा विषय है और इसमें कई सारे नंबर्स जो है वो हमें चौंकाते हैं। तो आज ऐसे ही एक नंबर पे हम बात करेंगे और इससे मैं आपको बताना चाहूँगा एक कंसेप्ट जिसको कहते हैं रिवॉल्विंग नंबर्स। ठीक है, तो आज हम एक रिवॉल्विंग नंबर की बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक नंबर जो है वो दिख रहा है 1,42,857। तो इस वीडियो के लिए मैं इसको 1,42,857 इस प्रकार से ही बोलूँगा। यहाँ पर देखिए कि हर नंबर जो है तो उसको एक कलर है और उसमें एक सीक्वेंस है। अब हम इसके ऑपरेशन जो है वो करना शुरू करते हैं। ठीक है, फिर हमें पता चलेगा कि क्या मैजिक जो है वो इस नंबर में हम देख रहे हैं। हाँ, तो जैसे कि 1,42,857, इसको जब हम 1 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर हमको मिलता है। लेकिन जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो नंबर हमें मिल रहा है तो उसका सिक्वेंस जो है तो वो 2,8,5,7,1,4। तो यहाँ पर भी देखें 2,8,5,7,1,4, तो वही नंबर जो है वो हमें एक सीक्वेंस में मिल रहा है। बस उसके जो स्थान जो है तो उसमें थोड़ा सा बदलाव हो रहा है। अब यही नंबर को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें देखिएगा कि 4,2,8,5,7,1 ये नंबर मिल रहा है। इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर देखिएगा कि हमें 5,7,1,4,2,8 ये नंबर मिल रहा है। इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर हमें मिलता है वो है 7,1,4,2,8,5। इसके बाद हमने उसको 6 से मल्टीप्लाई करके देखा, हमें वापस जो नंबर मिला है वो है 8,5,7,1,4,2। तो देखिएगा कि मतलब इस नंबर को 1,4,2,8,5,7 को जब हमने 1 से लेकर 6 तक मल्टीप्लाई किया तो वही संख्या जो है वो हमें वापस मिल रही है। बस उसका सिक्वेंस जो है वो चेंज हो रहा है। तो क्या ये फैसिनेटिंग नहीं लग रहा है आपको? अब आपके दिमाग में होगा कि मतलब इससे ज़्यादा अगर हम ऑपरेशन करते हैं, इसको अगर हम और नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो सकता है? तो चलिए हम उसको 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अब थोड़ी कहानी में हमें बदलाव आता हुआ नज़र आता है क्योंकि जब हम इसको 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर जो है वो 9,99,999 ये है। ठीक है, तो अब यहाँ तक आकर ये मैजिक जो है वो ख़त्म हो जाता है। और अब हम सोचेंगे कि मतलब क्या है, मतलब कि क्यों 1 से 6 तक मल्टीप्लाई करते हैं तभी ये नंबर रिवॉल्व हो रहा है और 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका आंसर जो है वो 9,99,999 ये आ रहा है। तो इसका जवाब मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। मैं आप चाहूँगा कि आप इसके बारे में सोचो और आपके जो जवाब जो है वो हमें कई आप हमें हमको दे दीजिएगा। लेकिन एक हिंट मैं इससे पहले आपको देना चाहूँगा कि जैसे कि 1 और 7 ये एक मतलब दोनों भी प्राइम नंबर है, तो 1 को जब मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो उसका आंसर जो है वो आप देख पाओगे कि 1,4,2,8,5,7, 1,4,2,8,5,7, 1,4,2,8,5,7, 1,4,2,8,5,7 और ये ऐसे ही निरंतर चलता रहेगा। तो ये जो है कि मतलब निरंतर चलने वाला रिवॉल्विंग नंबर जो है तो वो हमें यहाँ पर भी जब हम 1 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि मतलब इसी के कारण कि जब मैं 7 से इस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे नंबर जो है वो 9,99,999 ये ऐसे इस प्रकार से मिल रहा है। ठीक है, तो आपके लिए एक और नंबर जो है उसके साथ इसको हम ट्राई कर देते हैं। तो एक और प्राइम नंबर लेकर हम आगे जाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर हमने प्राइम नंबर जो है वो लिया है 13 और 1 से जब 13 को हम डिवाइड करते हैं तो आप देख पाओगे कि ये जो नंबर जो है अगेन हमें रिवॉल्विंग नंबर मिल रहा है 7,6,9,2,3 और 0,7,6,9,2,3। तो इस प्रकार से नंबर जो है वो रिवॉल्व होता रहेगा। तो यहाँ पर हमने 0,7,6,9,2,3 तो ये नंबर जो है क्योंकि ये बाद में जो है वो रिवॉल्विंग होता रहेगा इसलिए मैंने
ये जो पहला नंबर जो है तो वहाँ पर भी मैंने जीरो रख लिया है। वैसे आंसर में वैसे आपको अगर कैलकुलेटर से इस्तेमाल करते हो तो ये नहीं दिखेगा। तो अब ये रिवॉल्विंग नंबर जो है तो उसका भी हम पहले जैसे ही मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जो है वो करके देखते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको वन से मल्टीप्लाई किया तो वही नंबर आना है। दो से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे एक नंबर जो है वो अलग अलग दिख रहा है हमें, 153846, तो ये वो नंबर है। ठीक है, तो इस नंबर को भी आप ध्यान में रखिएगा। अब जब मैं उसको तीन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो हमारा नंबर जो है वो देखिएगा कि आंसर में 307692, अगेन रिवॉल्व हुआ नंबर। चार से जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 230769, रिवॉल्व हुआ नंबर। पाँच से जब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो हमें ये जो आंसर जो है वो 384615 जो है वो मिल रहा है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 384615 ये वही नंबर रिवॉल्व हो रहा है कि जब 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 हमने ये 076923 को मल्टीप्लाई किया था दो से। ठीक है, तो अब आगे हम बस यही देखते हैं कि मतलब नंबर जो है वो कौन कौन सा जो है वो रिवॉल्व हो रहा है। तो पाँच तक हमने ऑपरेशन करे, छः से जब हमने किए तो हमने जो दो से मल्टीप्लाई किया था नंबर वो रिवॉल्व हो रहा है। सेवन के साथ भी वही मल्टीप्लाई बाय टू वाला नंबर जो है वो रिवॉल्व हो रहा है। एट के साथ भी मल्टीप्लाई बाय टू वाला नंबर रिवॉल्व हो रहा है। देन नाइन के साथ अगेन ये जो पहला वाला जो रिवॉल्विंग नंबर था तो वो है 307692 6 6923। जब हम इसको नाइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें जो नंबर मिल रहा है वो है 692307। तो अगेन पहले वाला जो नंबर है वही रिवॉल्व हुआ। दस से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 769230 वही रिवॉल्व हुआ नंबर। देन इलेवन, ट्वेल्व और मतलब इलेवन से जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको तो हमें जो दूसरा वाला कॉम्बिनेशन था वो रिवॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। ट्वेल्व से जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें 307692 वही नंबर रिवॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये था। अब अगर हम सोचेंगे कि ये जो नंबर जो है मतलब एक से जब 13 को हमने डिवाइड किया था तब हमें ये नंबर जो है वो मिला था रिवॉल्विंग नंबर। तो इस नंबर को जब हम 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? तो अगेन आपके सारे डिजिट जो है आंसर के वो आपको 9 ही मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो नंबर वन जो है तो उसको जब हमने सेवन और उसके बाद जब 13 से जब हमने डिवाइड किया तो हमें कुछ एक नंबर मिला। और वो जो नंबर जो है उसके जब हमने मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन किए तो हमें एक रिवॉल्विंग नंबर मिला कि वही नंबर जो मल्टीप्लिकेशन में बार बार रिवॉल्व हो रहा है। सेवन के साथ जब हमने किया तो हमें एक ही रिवॉल्विंग नंबर मिला। 13 के साथ जब हमने किया तो हमें दो कॉम्बिनेशन जो है वो मिले। तो अब मैं चाहूँगा आपसे कि आपको भी बहुत सारे प्राइम नंबर्स पता है, आप भी मल्टीप्लिकेशंस करना जानते हो, डिवीजन करना जानते हो, तो ऐसे ही रिवॉल्विंग नंबर अगर आप खोज पाओ तो हमें ज़रूर बताइएगा। आपकी खोज जो है वो देखने में हमें काफ़ी खुशी होगी। धन्यवाद।